कैसे हैं सब? यकीनन ठीक होंगे। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होती है उसके डिफरेंट मेथड बताए थे। कौन कौन से थे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इनकी डेफिनेशंस भी बताई गई, जिसमें में से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन हो चुका है प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें एसेक्सुअल के बारे में बताया गया और फिर उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स बताई थी। 4 टाइप्स होती हैं, बडिंग का प्रोसेस, फिशन का, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये तो सारे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट हो गया था उसमें ये टॉपिक, आज जो मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ आपका न्यू टॉपिक जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 101। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका आज का टॉपिक है। लोअर प्लांट में जो होते हैं, प्लांट में क्या होता है कि उनकी जो बॉडी से ही डिवाइड होने के बाद, यानी कि बॉडी की डिवीजन के बाद ही जो है वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जैसे कि प्रीवियस में मैंने बताया था बडिंग में क्या हो रहा था कि ईस्ट से जो है एक छोटी सी आउटग्रोथ हुई और वो बढ़ के जो है न्यू प्लांट ग्रो कर लिया। इसी तरह बाइलरी फिशन का था कि एक बैक्टीरिया से जो है वो दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये तो थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं जो हायर प्लांट्स होते हैं, इनमें जो न्यू प्लांट ग्रो होता है वो पेरेंट्स प्लांट के किसी भी पार्ट से हो रहा होता है। ठीक है, और ये वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन को बताएं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है, तो द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन रूप से होंगे? जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है या बर्ड्स है। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ पेरेंट्स प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहा गया? जिसमें के पेरेंट्स प्लांट्स के किसी भी हिस्से या तो रूट्स के जरिए ग्रोथ होने लगे न्यू प्लांट की, या स्टेम के जरिए होने लगे, या लीफ के जरिए होने लगे, या फिर बर्ड्स के जरिए होने लगे। तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये भी दरअसल जो है एसेक्सुअल मेथड की ही रिप्रोडक्शन है, जिसमें किसी किस्म के गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट, स्टेम और लीफ जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को जो है हम टू वेज में या टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी होती है? एक कहलाती है नेचुरल मेथड होता है, और एक कहलाता है आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, नेचुरल मेथड में और आर्टिफिशियल मेथड में। नेचुरल जैसे कि नेम से जाहिर है कि नेचुरली तरीके से जो है वो प्लांट के किसी हिस्से से दूसरे प्लांट की ग्रोथ होना, और आर्टिफिशियल मेथड यानी कि खुद से जो है वो इस तरह प्लांट के हिस्सों को अरेंज किया जाता है कि उनसे जो है न्यू प्लांट ग्रो करे। ये अब वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं इसकी ये टाइप्स आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये पूरा टॉपिक
चले कि हम इस टॉपिक में किस किस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक नेचुरल मेथड और एक हो गया आर्टिफिशियल मेथड। अब जो नेचुरल मेथड होता है ये भी, इसकी भी थ्री टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती है, यानी कि नेचुरल मेथड बाय रूट से भी ग्रो कर सकते हैं प्लांट, या फिर सेकंड मेथड होगा कि बाय स्टेम। ठीक है, बाय स्टेम भी जो है वो न्यू प्लांट ग्रो हो सकते हैं। और थर्ड मेथड जो है नेचुरल मेथड का है बाय लीव्स। ठीक है, यानी कि रूट्स के जरिए प्लांट की ग्रोथ किस तरह होगी न्यू प्लांट की, ये भी पढ़ेंगे बाय स्टेम के जरिए और बाय लीफ के जरिए। अब जो बाय स्टेम जो होता है इसकी मजीद जो है वो सिक्स टाइप्स है। कौन कौन सी है, ट्यूबर, सेकंड है राइजोम, थर्ड इज कॉल्ड अ बल्ब, फोर्थ टाइप इज कॉल्ड अ रनर, फिफ्थ टाइप इज कॉल्ड अ सकर, एंड सिक्स्थ एंड लास्ट टाइप इज कॉल्ड अ कॉर्न। ठीक है, ये बाय स्टेम के मेथड है कि किस तरीके से जो है वो स्टेम के हिस्से से जो है न्यू प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, ये तो हो गया नेचुरल मेथड की मुख्तलिफ टाइप्स के नेम अभी मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद आ जाते हैं आर्टिफिशियल मेथड को। आर्टिफिशियल मेथड भी फोर टाइप्स के होते हैं। नंबर वन कटिंग, सेकेंड आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड अ लेयरिंग, थर्ड आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड अ ग्राफ्टिंग, एंड फोर्थ आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड अ टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये आर्टिफिशियल मेथड है जो हम पढ़ेंगे। कुछ मेथड्स इनमें वैसे जो है वो आज एक्सप्लेन होंगे, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, या आपको इतने से नेम मुझे बताने थे कि कौन से जो है वो टाइप्स कितने हिस्सों में डिवाइड हो रही है ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। सबसे पहले आते हैं अब नेचुरल मेथड में बाय रूट्स के मेथड से किस तरीके से जो है प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक टाइप्स है बाय रूट्स के जरिए। इसमें दरअसल होता क्या है, रूट्स आपको पता है कहाँ मौजूद होती है, जमीन के नीचे की तरह। तो यहाँ पे जो है कुछ एडवांटेजियस बर्ड्स बनने लगती हैं रूट्स में, यानी कि क्या होगा जिस तरह के ये रूट्स मौजूद है जमीन के नीचे, तो इन जो रूट्स होती हैं इसमें कुछ एडवांटेजियस जो है बर्ड्स बनने लगती हैं। ठीक है, ये हिस्सा जो है वो थोड़ा सा बर्ड्स की तरह का नजर आने लगता है। और फिर क्या होती है कि बर्ड्स जो होती हैं बढ़ना शुरू हो जाती हैं और जो है वो न्यू प्लांट्स बन जाता है। और ये कब होता है, जब के फेवरेबल कंडीशन मिले। फेवरेबल कंडीशन मींस इनको वाटर, मिनरल्स और जो है सनलाइट सब कुछ प्रोवाइड हो तो ये ग्रो करती हैं। और ये दरअसल जो रूट ऐसी होती हैं कि जब ये ग्रो करती हैं
स्टोर हुई भी होती है। तो ये जो है बाय रूट का नेचुरल मेथड है, जिसके एग्जाम्पल अगर हम देखें स्वीट पोटैटो है, गुआवा है, और इसके अलावा जो है डेलिया, ये एग्जाम्पल है जो कि बाय रूट्स के मेथड से ग्रो होता है। इसके बाद आते हैं बाय स्टेम, ये जो है मोस्ट कॉमन पार्ट है ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, ठीक है। अब ये जो होते हैं इसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, इनके मुख्तलिफ जो है मेथड है रिप्रोडक्शन के, कि किस तरीके से जो है प्लांट की ग्रोथ हो रही है। अच्छा, ये वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है, इस पूरे जो है मेथड को। अब ये जो ट्यूबर का सबसे पहले जिसमें एक्सप्लेन हुआ वह है टाइल्स ट्यूबर की, इसमें दरअसल होता क्या है कि इसकी सोलन स्टेम जो होती है, यानी कि कुछ फूली सी होती है, कुछ जो होते हैं इसमें स्टेम का हिस्सा, और दरअसल ये क्यों होती है सोलन, क्योंकि इसमें जो है फूड स्टोर हुई भी होती है जिसको हम ट्यूबर कहते हैं। और इसकी ट्यूबर में जो है कुछ इस तरह के जो है हमें स्ट्रक्चर नजर आता है, कुछ ब्लैक सा या बर्ड्स की तरह बने हुए, ये दरअसल इनकी आईज होती हैं, और ईच हर आईज से जो है वो एक या एक से बर्ड्स ज्यादा बर्ड जो है वो निकलती हैं, जो कि न्यू प्लांट को ग्रो करती हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम डायग्राम से देखें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि इसकी एग्जाम्पल जो है वो पोटैटो है। पोटैटो जो है वो क्या है, पोटैटो रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग ट्यूबर। इसमें क्या होता है कि इनकी जो पोटैटो जो मौजूद होता है, ये दरअसल क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है पोटैटो, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। और इसमें आप देखिए तो इसमें जो है ब्लैक ब्लैक से कुछ स्पॉट मौजूद होते हैं जिनको आई कहा जाता है। ठीक है, पोटैटो है जिन पे ये ब्लैक स्पॉट्स मौजूद होते हैं, और इन आईज पर जो है एक या एक से ज्यादा बर्ड्स फॉर्म होने लगती हैं। अगर आप पोटैटो को घर पे भी रखेगा बहुत अरसे रखा रहे 15-20 दिन और रखा रहे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ आउट ग्रोथ होने लगती है इस तरह की, एक से ज्यादा जो हिस्से में जो है ये बर्ड्स निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये जो होता है जिस तरह इसमें अगर इस सॉइल में इन पोटैटो को हम लगा दें, ठीक है, सॉइल में अगर हम इस पोटैटो को लगा दें तो क्या होगा, इसमें वैसे जो है वो रूट्स भी निकलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और यानी कि जब वो ग्रो हो गए सॉइल में, इनको मिनरल्स वगैरह मिलेंगे, तो ये न्यू प्लांट जो है वो फॉर्म करने लगेंगे। और ये कहाँ से हो रहा होता है, इसकी जो है आई वाले हिस्से से ही जो है यहाँ पर बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है, और फिर जो है यानी कि इस बर्ड्स में जो है वो क्या हो गया कि इसके स्टेम जो है वो निकलना शुरू हो गया, इसी हिस्से से जो है इसमें रूट्स की ग्रो होना शुरू हो जाती है। अगर इसकी नेक्स्ट इसमें 102 पेज पे आ जाइए, एक्टिविटी दी गई है, इसमें कहा गया है कि अगर आपको यहाँ देखना हो कि इसकी आईज को क्या आप करेंगे कि आप जो है वो लेंस ले सकते हैं, ठीक है, और इससे आप देख सकते हैं जो हैंड लेंस होता है, तो आप अगर आप देखें पोटैटो में तो आपको इसकी आई नजर आएंगी, ठीक है, ब्लैक ब्लैक से निशान होते हैं जो स्पॉट इसमें मौजूद होते हैं, ऐसी आईज नहीं होती जैसे हमारी है, बल्कि कैसे स्पॉट होते हैं। और अगर हम कट अ पीस ऑफ, आप इसको क्या करें, हम कट करें इस पोटैटो के हिस्से में जिसमें कि ये जो है ब्लैक जो है आई मौजूद हो, ठीक है, यानी कि हम अगर इसको दो हाफ में, टू हाफ्स में कट कर लें पोटैटो को, और फिर इसको क्या करें कि किसी भी पॉट में हम लगा दें जिसमें सॉइल मौजूद हो, और इसको जो है रेगुलरली पानी देते रहें, तो हम देखेंगे कि 3-4 या 5 दिन के बाद जो है हमें जो है इसमें में से जो है रूट्स वगैरह निकलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और ग्रीन ग्रीन से जो है लीफ भी हमें नजर आने लगेंगे। तो इसमें इन्होंने यही कहा कि अब ऑब्जर्व करें
कुछ दिन के बाद के जो न्यू प्लांट हो रहा है उसमें रूट स्टेम और लीव किस तरीके से ग्रो हो रही है और उसकी जो है वो डायग्राम ड्रॉ करें। यानी कि इन्होंने एक एक्टिविटी दी है कि आप पोटैटो को है किस तरह आपको पता चल सकता है कि यानी कि जो एक अंडरग्राउंड स्टेम है इससे ही किस तरह से प्लांट की ग्रो हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस पोटैटो को हाफ कट करें और फिर इस हाफ हिस्से को जिसमें कि आई मौजूद है और इसको हम सॉइल में लगा दें तो फिर हम क्या लगेगा कुछ दिन के बाद के नीचे के हिस्से से जो है वो रूट्स भी निकलने लगेंगी और जो ऊपर की तरफ जो है वो छोटी सी स्टेम और लीव्स भी आ जाती हैं इस पोटैटो में। आज तक के लिए आपको मैंने ये इतना ही समझाया है, ठीक है। आगे का जो है वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होगा। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ, ठीक है। इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, इसमें भी आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा कि टॉपिक, और ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये डिटेल में है क्योंकि इसकी अभी और भी बहुत सारी टाइप्स है, तो ये नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होगा पूरा। अभी आप जो है ये वीडियो क्लिप्स देखें। और आज में जो है आज के जो आपका लेक्चर है वीडियो क्लिप के बाद जो आपको कोई होमवर्क मैं रिटर्न में नहीं दे रही हूँ, वो आपका जो इस टॉपिक के आगे जब थोड़ा और हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दूंगी। तो आज तक के लिए आपका ये इतना ही था कि आप वीडियो क्लिप्स देख लीजिए और इसको समझ लें। थैंक यू। हाउ डू पोटैटोज ग्रो? People have been growing and eating potatoes for thousands of years. Originally, potatoes came from the Andes Mountains in South America. Now, here in the UK, they are one of our favorite foods. We like to eat them boiled, mashed, baked, or roasted. Potatoes don't grow from a simple seed. Instead, they grow from a seed potato that looks like this. The seed potato has small sprouts on it ready to grow. First, this machine has to prepare the soil in the field. It mounds the soil up into ridges. Next, this machine removes the stones. This is to stop the stones from squashing the potatoes into funny shapes as they grow underground. This machine plants the seed potatoes into the ridges and covers them over with soil to protect them. The potatoes are planted in the spring, so the warmth of the sun can help them grow. The planted potato begins to grow roots. Next, the new shoots reach up through the soil towards the sun, and soon there are green leaves above ground. The roots grow in the soil. This is where the potatoes will grow. Good soil, plenty of water and sunshine, the plants have everything they need. The farmer leaves the potato plant to grow until they are ready to harvest. Some good old soil and a potato with eyes that you combine into a bucket with holes and you leave it all outside. So a stem and leaves will start to grow and roots will form and grow potatoes below and it just keeps on going. Hey, when's it gonna stop? So just keep adding more soil until you get to the top. And at the end, the leaves will turn brown. You dump them out and you see what you found. It's potatoes. Hey, what do you know? It's just that easy, folks. Did you know it was that easy? Potatoes, potatoes in a bucket. You think it's silly? I say bucket. It's all the rage from Nashville to Nantucket. I just wanna grow